अवार्ड प्राप्त करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। एक अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है सर, क्या आप नया चीज करना चाहते हैं अवार्ड के मिलने के बाद? अवार्ड के बारे में, एक अवार्ड मिलने के बाद क्या कैसे रिएक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, फीलिंग लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और अगली बार करेंगे तो और इससे अच्छा करेंगे। सर आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए। मेरी इटार एसएससी करके ब्रांड है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन था कि मारवाड़ी बिजनेस में जल्दी सफल क्यों हो जाते हैं? मेरा मानना ये है कि मारवाड़ी मेहनत करने वाला हर कोई सफल हो सकता है। यंग जनरेशन जो बिजनेस में सफल होने के लिए संघर्ष करते हैं, आप उन्हें सफल होने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यंग जनरेशन के लिए मेरा संदेश ये है कि वो लगातार मेहनत और अपने लक्ष्य को और मेहनत और ईमानदारी से करें। सर यंग जनरेशन जो कृपया आप अपने बारे में कुछ बताएं और आप मुंबई कब आए और किस तरह आपने इंटायर इंडिया को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया है? मैं 2010 में बम्बई आया था, 2017 में इंटायर ब्रांड बनवाया था मैंने और बहुत बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया और सब कस्टमर का मैंने विश्वास जीता। सर आजकल के नए युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे, जो नई पीढ़ी जैसे सक्सेसफुल होने के लिए ट्राई कर रही है बिजनेस में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। चार जून को, हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, चार जून को सर प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? देश हित के लिए नरेंद्र मोदी। क्या आपके सफलता के पीछे क्या राज है सर, इतने बड़े सफलता कामयाब हो गई है, क्या राज है? हमारा ये हमारा स्टाफ है काफ़ी अच्छा है और इसके लिए हम काफ़ी मेहनत 2017 से 2016 तक काफ़ी मेहनत किया हम लोगों ने, इसलिए सफल होने का ही काम। आप जो एसएससी बनाते हैं ज़्यादातर लोग चाइना की यूज़ करते हैं, तो यहाँ आपको अपना ब्रांड खड़ा करने में कोई कितनी मेहनत करनी पड़ती है? यहाँ मेहनत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपको क्या और आने वाला है, कुछ आपको प्रोजेक्ट अपने बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या क्या बनाते हैं प्रोजेक्ट? हमारे जैसे चार्जर है, बैटरी है, एयरफोन है, केबल है, नेकबैंड है। सर ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है आपका ये? ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड। ये ऑनलाइन भी मिलता है या कोई शॉप पे बेचने के लिए कहाँ मिला जाता है? ऑनलाइन भी मिलता है और हर जगह पे अपना डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसे। अब बुक करें तो किस तरह बुक करेंगे, जैसे मुझे बुक करना है आपका प्रोडक्ट, किस तरह बुक करोगे? ऑनलाइन बुक कर सकते हो, कोई भी अमेजोन हर जगह मिलता है। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। आपने आया कब, आपने स्टार्ट किया सर? मैंने तीन चार साल पहले कोरोना काल में स्टार्ट किया था ये। कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ उस टाइम? तो कोरोना काल में तो कम ही थे लोग, लेकिन अभी जैसे जैसे ग्रुप आगे चल रहा है, अभी अभी 400-500 सदस्य इस ग्रुप में है। कितना कितने मतलब अभी गौशाला आपने खोल रखा है और क्या लक्ष्य मंजिल है आपका? 82 गौशालों में लाभ वितरण कर चुके हैं हम और 108 गौशालों में लाभ वितरण करने का संकल्प था, वो भी जल्द हो जाएगी। अभी आपको क्या प्रेरणा क्या है, मंजिल क्या है, आप ये सब करके क्या मतलब क्या करना चाहते हैं? गौ सेवा करो जीवन में, सेवा। आमतौर पर समाज सेवा करते करते लोग नेता बन जाते हैं, तो आपका क्या इरादा? नहीं नहीं वैसा कोई हमारा इरादा नहीं है, नॉर्मल कहना चाहते हैं लोग। सर सेवा करते लोग दिखाते हैं सोशल ये फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन आप ये सब दिखाते नहीं हो, गुप चुप करते हो, कितना मतलब आपके साथ? सेवा जितनी हो, जितनी गुप्त रहनी चाहिए वो सेवा जितनी हो। मुंबई आकर ऐसा अवार्ड मिलता है तो कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा लगता है, छोटे से गांव से लेकर आज सम्मान नगर में ये मान सम्मान जो मिला है बहुत अच्छा लग रहा है। ये अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है, एक अवार्ड आपके लिए जो मिला है? ये अवार्ड मुझे नहीं मिला, ये अवार्ड मेरे सभी ग्रुप के सदस्यों का सम्मान है ये। और सर मैं जानना चाहता हूँ और क्या आपका लक्ष्य क्या है? और आपका लक्ष्य बस यही है, गौ सेवा करो आगे जितना हो। युवा पीढ़ी क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह आपको काम करो, जो इस तरह आपके साथ फॉलो कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को? तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, नशे पसे से दूर रहो, चिंता मत करो, जितना हो वो सेवा करो और अच्छे काम करो, परिवार के साथ रहो, माता पिता की सेवा करो। थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर इस पर काम।